कथित शराब घोटाले की वजह से 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देकर सर्वोच्च अदालत से राहत की मांग की है। सीबीआई ईडी ने जहां ट्रायल में देरी के लिए आम आदमी पार्टी के नेता को जिम्मेदार बताया, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम सजा की आधी अवधि के बराबर वो जेल में बिता चुके हैं। सिसोदिया की ओर से ईडी और सीबीआई केस में दायर याचिकाओं में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बयान या व्हाट्सएप चैट नहीं है। हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनका कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया का कोई भी व्हाट्सएप चैट नहीं है। सिसोदिया यहां न्यूनतम सजा का आधा समय बिता चुके हैं और कैद की इस अवधि का कोई अंत नहीं है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल शुरू हो गया होता लेकिन उनकी वजह से नहीं हुआ, वे आवेदन पर आवेदन देते रहे। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अधिकतर आवेदन को स्वीकार किया गया है। क्या कभी कहा गया कि ट्रायल में देरी की कोशिश है? एएसजी ने कहा कि देरी के लिए पूरी तरह सिसोदिया जिम्मेदार, एजेंसी नहीं। सिंघवी ने ईडी की इन दलीलों को बेबुनियाद बताया कि सिसोदिया जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं और सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सिंघवी ने कहा, यदि सिसोदिया छींकते भी हैं तो ईडी कोर्ट जाएगी। इस तरह की निगरानी में वे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? इस पर एएसजी ने कहा कि वो पहले ही फोन रिकॉर्ड्स आदि को नष्ट कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दूसरे दिन भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की ओर से एएसजी राजू दलीलें पेश कर रहे थे, वहीं सिसोदिया की जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने ईडी से पूछा था, क्या सिसोदिया पर आरोप 2021-2022 की दिल्ली आबकारी नीति में शराब विक्रेताओं को लाभ दिलाने वाला है